हम अपनी शख्सियत का अगर एहतसाब करना चाहें और ये जांचना चाहें कि हम खुदा की पसंद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं नहीं गुजार रहे, तो उसके लिए मैं अहम तरीन पैमाना आज आपके सामने रख रहा हूँ और ये पैमाना खुदा से ज़िंदा ताल्लुक़ का है। कुरान मजीद ने इसकी कमोबेश 8 असासात बयान किए हैं। मैं एक एक करके उनका इजमाली तारुफ कराऊंगा, अगरचे उनमें से हर एक के बारे में घंटों गुफ्तगू हो सकती है। और ये समझिए कि पूरा दीन असल में इन्हीं चीज़ों पर मुनहसर है। जिस दीन को इसके अलावा बयान किया जाता है, जो कुरान मजीद में सुन्नत में बयान हुआ है, उसका इन्हिसार भी असल में इसी ताल्लुक़ के ऊपर है। इनमें से पहली चीज़ ईमान है। ईमान का मतलब है हम कुछ ऐसी चीज़ों को मान लें जो गैब में है, जैसे खुदा का होना, आखरत का होना, किताबों का मिन जानिब अल्लाह होना, फरिश्तों का होना और रसूलों का अल्लाह की तरफ से पैगंबर होना, यानी उनका वही आना उनके ऊपर, इस पर हम यकीन रखते हों, इसको हम मानते हों। ये जो मानने का अमल है और जिसको मैंने यकीन से ताबीर किया, असल में इब्तिदा और इंतहा है एक सफ़र की। ईमान जो है वो इब्तिदा है, यकीन जो है आखिरी मंजिल है। और यकीन तक हम पहुंच नहीं सकते जब तक कि हम इस्लाम ना लाएं। इस्लाम का मतलब ये होता है कि पूरे शऊर के साथ, दलाइल के साथ इन चीज़ों को समझा जाए और उसके बाद आदमी अनकंडीशनली अपने आप को अपने मालिक के सामने सरेंडर कर दे, दिलो दिमाग उसके सामने बिछा दे और अपने आप को अपने रब के हवाले कर दे। सरे तस्तीम खम है, सरे बंदगी खम है, सरे इताअत खम है, उसूली तौर पर फैसला कर ले। उसके बाद अगला मरहला इसका खुनूत है। खुनूत का मतलब ये है कि जिस तरीके से किसी बड़े आदमी के सामने लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं और इस एहसास में होते हैं, ख़ास तौर पर अगर खुद्दाम हैं, कि अगर हुक्म आएगा तो तामील करेंगे, तो तामील इरशाद के लिए तैयार रहने की हालत जो है, यानी इताअत मुसलसल, फरमाबरदारी मुसलसल में लगे रहना, ये कुनूत है। और इसकी आखिरी चीज़ ये है इखलास, यानी इंसान जब भी काम करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करे, किसी को दिखाने खुश करने के लिए ना करे। ये ईमान का सफ़र यकीन तक इन मनाजिल से, इन मराहिल से गुज़र कर पहुँचता है। खुदा से ताल्लुक़ की जो दूसरी असास है वो इबादत है, जो एहसान के साथ की जाए, और इताअत है, जो वफादारी के जज्बे के साथ की जाए। इबादत तो मालूम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इतकाफ, कुर्बानी वगैरह। एहसान का मतलब ये है कि इसको, इसकी इन इबादत को स्पिरिट के साथ अदा किया जाए, जैसे नमाज की स्पिरिट खुदा की याद, रोज़े की स्पिरिट तकवा और सब्र, इसी तरीके से कुर्बानी की स्पिरिट अपने आप को खुदा के इस दर्जे में हवाले करना कि जान भी उसके लिए दे दें। हज और उम्रे की स्पिरिट ये है कि इंसान अपने आप को खुदा की नज़र कर दे, ज़िंदगी उसके लिए गुजारे, उसके दुश्मनों के खिलाफ लड़े। ज़कात की स्पिरिट अपने आप को पाक करना, अपने आप के, अपने माल को खुदा की नज़र कर देना है। तो ये चंद अहम बुनियादी इबादात हैं जिनकी स्पिरिट मैंने बयान कर दी। और इताअत का मतलब ये है कि जो कोई भी अखलाक व शरीयत का हुक्म होगा उसे वफादारी के जज्बे से हम बेचूँ चरा अदा करेंगे। तीसरी एहसास, तीसरी बुनियाद जो खुदा से ज़िंदा ताल्लुक़ की है वो शुक्र है। यानी जो जिस रब ने सब कुछ दे रखा है, जिसकी इनायत है, जिसकी मेहरबानियाँ, जिसकी नेमतें हैं, दिल से उसको शुक्रगुजार हों, ज़बान से एतराफ़ करें और अमल से जब मौका हो, जहाँ मौका हो, उसका हक़ अदा करें, नेमतों से दूसरों का फ़ायदा उठाएँ, खुदा की बंदगी करके उसका शुक्रिया अदा करें। फिर शुक्रगुजारी का अगला तकाजा मोहब्बत है। यानी जिस रब ने नेमत दी हो उससे मोहब्बत भी होनी चाहिए। और मोहब्बत का अगला तकाजा ये है कि अगर इंसान में गैरत नहीं है तो मोहब्बत फिर कामिल नहीं है। इसका मतलब ये कि खुदा के दीन पे अगर कोई मुश्किल वक्त आ गया तो कुरान का मुतालबा ये है कि खुदा के दीन की मदद करो, ये नुसरत दीन है। तो इसके लिए दामे दरमे कदम सुखने, अपनी जान से, माल से, सलाहियत से कुछ भी कर सकते हो, जब मौका आ जाए तो फिर पीछे नहीं हट सकते। चौथी असास खुदा से ज़िंदा ताल्लुक़ की जिक्र है, फ़िक्र है, दुआ है। मतलब इसका ये है कि खुदा की याद में जीना, उसके एहसास में जीना, उसकी निशानियों के बारे में गौर व फिक्र करना, उसकी जो किताब अज़-ज़िक्र जो याद दहानी है उसका मुताला करके उसके दलाइल को समझना, जो कुछ बयान हुआ है उसको अनफुस व आफाक में उस पर गौर करना, और फिर जब कुछ मांगना हो, फरियाद करनी है, रोना है, गड़गड़ाना है, तो सिर्फ़ खुदा के सामने जाना। उसके बाद जो अगली एहसास है, खुदा का खौफ है, खुशू है, खुजू है और तकवा है। मतलब ये कि इंसान इस एहसास में जिए कि कैसी अजीम हस्ती है,
कैसी गरमामूरी ताकतवर बुलंद वाला हस्ती है जिसके हुजूर एक रोज़ मुझे पेश होना है, तो उसकी कोई नाफरमानी ना हो जाए। चाहे ख्वाहिश हो, चाहे मुफाद हो, चाहे तासुबात हो, मैंने खुदा की नाफरमानी से बचना है, इनमें से हर चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ना है, अपने खिलाफ लड़ना है, दुनिया से टकरा जाना, और किसी की परवाह नहीं करनी, किसी मलामत करने वाले की परवाह नहीं करनी। छठी चीज़ ये कि इंसान है, कमज़ोरी है, कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से उससे गुनाह हो जाता है। जब गुनाह होगा तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं, फ़ौरन तौबा करेंगे। तौबा का मतलब ये है कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, न सिर्फ माफ़ी मांगें बल्कि इसके साथ जो इसलाह हो सकती है वो इसलाह करें। यानी जो तलाफ़ी है तलाफ़ी करनी है, माफ़ी है मांगनी है माफ़ी मांगें, और फिर नादिम होकर या अज़्म करें कि आइंदा इसको नहीं दोहराएंगे। और फिर ये तौबा वही शख्स करता है जिसके दिल में अवाबियत का एहसास ज़िंदा हो, जिसमें अनाबत हो। इनका मतलब ये है कि खुदा की तरफ आदमी रुजू करने वाला हो तड़प के साथ और खुदा की तरफ मुतवज्जो रहता हो, वरना तौबा का एहसास ही नहीं पैदा होगा। उसके बाद अगली चीज़ सब्र और रज़ा और तस्लीम। ये ज़िंदगी में जो मुश्किल हैं, परेशानियाँ हैं, उन पर जजा फजा नहीं करनी, मायूस नहीं होना, कुफर नहीं करना, शिरक नहीं करना, गैर अल्लाह से जाके नहीं मांगना, खुदा के दर पे बैठे हुए हैं, और जो सूरत हाल हो गई है, जो मसला भी हो गया, उसे हौसले के साथ फेस कर रहे हैं। जो हुक्म है, जो दीन के तकाजे हैं, उनको निभाना है, बदतरीन हालात में भी निभाना है। और अगर कोई फ़ैसला हो गया तो तस्लीम और रज़ा मान लेना है, खुश दिली से मानना है कि मेरे मालिक का हुक्म आ गया, तो बस अपने आप को उसके हवाले तो कर ही दिया था, फैसला भी मान लेंगे, खुश दिली से मानेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई शिकवा नहीं होगा। और आठवीं और आखिरी चीज़ तवक्कुल, तफ़ीस और रजा है। मतलब ये है कि मुसीबत तो आ जाती है तो सब्र किया जाता है, लेकिन कुछ अंदेशे होते हैं, कुछ खौफ होते हैं, तो अंदेशा और खौफ हो, यानी अभी मुसीबत नहीं आई उसका अंदेशा है, उसमें तवक्कुल किया जाता है, खुदा पे भरोसा किया जाता है। अपने हिस्से का काम हम करेंगे, लेकिन फिर मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, जहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये कर चुके सब कुछ, तो ये तफवीज़ है, अल्लाह के हवाले कर दिया। और रजा यानी अल्लाह से उम्मीद बांधेंगे कि वही सारे मामला ठीक करेगा। ये वो चीज़ें हैं, आठ असासात हैं, कि अगर इनके मुतालिक मैं कहता हूँ कि ये दीन की रूहानियत है, और सिर्फ यही दीन की रूहानियत है, इस रास्ते पे आप एक दफ़ा रख दें कदम, मैं आपको दावे से ये बात बताता हूँ कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, और कोई बहुत ही ढीला इंसान हुआ और चलता रहा इस राह पे, तो चंद बरसों में अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हो जाएगी, अल्लाह ताला का आप ज़िंदा तजर्बा कर लेंगे, और फिर आपकी ईमानी कैफियत वो होगी जो दूसरा कोई इंसान कभी समझ नहीं सकता।